أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويبين لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. रमज़ान मुबारक का पहला अशरा गुजर चुका है और दूसरा अशरा भी आधे के करीब पहुंच चुका है। सआदतमंद लोग अल्लाह की रहमतों से झोलियां भर रहे हैं और मखरूबुल किस्मत लोग जैसे पिछली जिंदगी में कई रमज़ानों को ज़ाया कर चुके हैं, यही रमज़ान भी उसी तरह गफलत के साथ गुजरता हुआ नजर आ रहा है। जो दिन बाकी हैं उनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। गफलतों का पर्दा चाक करना और हकीकत की तरफ मुतवज्जे हो जाना सआदतमंद लोगों का शिआर होता है। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना किसी भी बंदे की इस्लाह और रूहानियत का एक कामिल और मुकम्मल निसाब रखता है। साल के 11 महीनों के बिगड़े हुए अगर रमज़ान मुबारक का महीना ऐसे गुजार दें जैसा कि गुजारना चाहिए, न सिर्फ ये कि पिछले 11 महीनों की कमी की तलाफी हो जाती है, बल्कि अगले साल के 11 महीने भी दुरुस्त तरीके से गुजारने की इस्तिताअत बंदे में पैदा हो जाती है। चुनांचे हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो भी फसाद नजर आता है ये सारा के सारा इंसान का बर्पा करदा है। आपको जहां कहीं फसाद नजर आएगा उसके पीछे यही हजरत इंसान होगा। हजरत इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, ये तो अल्लाह ने अपनी खिलाफत के लिए पैदा किया था, तो इसके अंदर बिगाड़ कहां से आ गया? तो इंसान के अंदर का बिगाड़ दो चीजों का पैदा करता है। एक तो शैतान है जो बाहर से हमला आवर होता है, एक नफ्स है जो बंदे के अंदर शर को गालिब करने की कोशिश करता है। शैतान बाहर का दुश्मन है, नफ्स अंदर का दुश्मन है। अब सुने, रमज़ानुल मुबारक में शैतान के शुरूर का रास्ता रोकने के लिए एक तो उसको बांध लिया जाता है, बांध लें ताकि ये मेरे बंदों को परेशान न करे। दूसरा ये कि अगर छोटे छोटे शैतूंगड़े फिरते भी रहते हैं, बड़े बड़े तो कैद कर दिए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे फिरते रहते हैं इनका रास्ता रोकने के लिए बंदे पर भूख और प्यास को मुसल्लत कर दिया जाता है। भूख और प्यास के जरिए शैतान का जोर टूट जाता है। इन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम अला फवय्यिकू मजारियहू बिलजूअ। हुजूर ने फरमाया शैतान बंदे में इस तरह चलता है जैसे इंसानी जिस्म के अंदर खून चलता रहता है, रग रग रेशे रेशे में इसके असरात पहुंच जाते हैं। फिर फरमाया अला फवय्यिकू मजारियहू बिलजूअ, शैतान के रास्तों को भूख के साथ तंग कर दिया करो। जब बंदा रोजा रखता है, भूख और प्यास लगती है, शैतान का रास्ता खुद ब खुद तंग हो जाता है, शैतान के असरात का जोर टूट जाता है। तो शैतान को तो दो तरीकों से उसका रास्ता बंद कर दिया, या तो उसको बांध लिया जाता है या फिर भूख और प्यास के जरिए उसके असरात को कम किया जाता है। नफ्स के जोर को तोड़ने के लिए रमजानुल मुबारक में एक पूरा निसाब पाया जाता है। चुनांचे पहले तो ये कि यही भूख और प्यास जहां शैतान पर असरअंदाज होते हैं, वहां बंदे की नफसानी ख्वाहिशात को भी लगाम डालते हैं। हजरत अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया तो पूछा, मन अंता व मन अना, तू कौन और मैं कौन। नफ्स ने कहा, अंता अंता व अना अना, तू तू है और मैं हूं, तेरी अपनी शान, मेरी अपनी हैसियत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको जहन्नम में डाल दो। 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलता रहा, फिर निकाला। पूछा, मन अंता व मन आना, तू कौन और मैं कौन। उसने कहा, अंता अंता व अना अना, तू तू है और मैं हूं, तेरी अपनी हैसियत, मेरा अपना मकाम। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जहन्नम में जमहरीर वादी में बर्फ की तहों के अंदर इसको रख दो। 1000 साल तक जमहरीर वादी में पड़ा रहा, फिर निकाला। पूछा, मन अंता व मन अना, तू कौन और मैं कौन। नफ्स ने कहा, अंता अंता व अना अना, तू तू है और मैं हूं, मेरी अपनी हैसियत है, मेरी अपनी शान है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से उस पर भूख मुसल्लत कर दी। जब भूख से बिलबिला उठा, फिर अल्लाह ने पूछा, मन अंता व मन अना, तू कौन और मैं कौन। तो कहने लगा, अंता रब्बी व अना अब्दुक, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। तू भूख और प्यास के जरिए नफ्स को लगाम डाली जा सकती है। तो एक तो इस तरीके से नफ्स की इस्लाह होती है। दूसरा तरीका यह है कि रमजानुल मुबारक में रातों को उठ उठ के इबादत करने का हुक्म दिया जाता है, और रातों की इबादत नफ्स की इस्लाह में जबरदस्त तासीर रखती है। इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वद्अन व अक़वमु क़ीला। ये रातों का जागना, रातों का बेदार होना नफ्स को पामाल करने के लिए बहुत ज्यादा मुअस्सर है। तो ये दूसरा तरीका हो गया नफ्स को ठीक करने का। नफ्स को ठीक करने का तीसरा तरीका ये है कि रमजानुल मुबारक में हुक्म दिया जाता है कि तुम अमवाल की ज़कात अदा किया करो, सदक़ात कसरत से दिया करो, सदक़ाए फितर अदा करो। ये ज़कात और सदक़ात और सदक़ाए फितर ये भी नफ्स की इस्लाम में जबरदस्त तासीर रखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम। आप इनके अमवाल में से सदका ले लिया करें, अपने साथियों के अमवाल में से अल्लाह का हिस्सा वसूल किया करें। फायदा क्या होगा? तो तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, इसके जरिए इन लोगों की ततहीर हो जाएगी, इनका तज़किया हो जाएगा, ये पाक साफ हो जाएंगे। ये तीसरा मरहला हो गया। और किसी भी बंदे के नफ्स की इस्लाह रमजानुल मुबारक का चौथा अंशर वो एतिकाफ होता है। एतिकाफ के जरिए भी बंदे के नफ्स की इस्लाह हो जाती है। चुनांचे आज महज़ब दुनिया में जब कोई बंदा जुर्म करता है तो सजा के तौर पर सजा नहीं होता, बल्कि सजा के साथ साथ उसकी इस्लाह भी मकसूद हुआ करती है। जी हाँ, जेल में बाकायदा कैदियों की तरबियत करना मकसूद होता है कि बाहर के माहौल में तो ये बिगड़ा हुआ था, किसी मौलवी के काबू आ नहीं रहा था, अब इसको बाहर के माहौल से काट के जेल में डाल दो और यहाँ उसकी इस्लाह और तरबियत और तज़किया का काम करे। लिहाजा किसी भी मुजरिम को जेल में डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि सजा के साथ साथ उसकी इस्लाह भी मकसूद होती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जेल में जाने से पहले तो डाकू होते हैं, जेल में गए, वहाँ उसकी तरबियत की गई, जेल में कुरान के हाफिज बन गए, दीन के दाई बन गए, तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार बन गए, मुआशरे के सुलझे हुए शहरी बन गए। और यही वजह है कि कुरान पाक में भी बाज मुजरिमीन की सजाओं के लिए, बाज मुजरिमीन के जराइम पर जो सजा बताई गई है, उसमें यही बताई गई है कि उसको इस माहौल से काट दो, औ युनफौ मिनल अर्द, या उनको जलावतन कर दिया जाए। ये तो सादा माना है कि जलावतन कर दिया जाए, और इसका मकसूदी माना यह है कि इसको इस माहौल से काट दिया जाए जिस माहौल में ये सुधर नहीं रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसको इस माहौल से काट दें। अब माहौल से काटने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि उसको जेल में डाल दें। तो शरीयत का यह हुक्म है कि बाज जराइम के नतीजे में मुजरिम को जेल में डाला जाता है, और तकरीब आमिन हदीस में आया है, बाज जराइम पर कहा जाता है कि 1 साल तक उसको वतन करने का एक तरीका यह है कि अपनी सरजमीन से निकाल दो, आगे और ज्यादा बिगड़ जाएगा और लोगों के हद पे चढ़ जाएगा। उससे बेहतर ये नहीं है कि उसको बाहर के माहौल से काट के अंदर के माहौल में डाल दे, वहां इसकी इस्लाह हो जाएगी। तो बाकायदा शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि जराइम के जो आदत है वो आदत नहीं छूट रही, उसका तरीका यह है कि उसको जेल में डाल दिया जाए, नफ्स की इस्लाह हो जाती है। और एतिकाफ में यही उसूल कार फरमा नजर आता है, एतिकाफ में यही उसूल कार फरमा नजर आता है कि बाहर तो हमने बहुत कोशिश की, 11 महीने हम गफलत में पड़े रहे, गुनाहों का सिलसिला नहीं छूटा, फिर हमने रमज़ान का महीना शुरू किया, रमज़ान में भी अपना नफ्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, न हम गुनाहों से बाज आए, न हमारी निगाहें काबू में आई, न हमें ज़बान पर कंट्रोल हासिल हुई, न हम ऐसी इबादत कर सके जैसा कि करनी चाहिए थी। अब क्या करना चाहिए? अब हमारे पास आखिरी मौका है कि अब आखिरी अशरा उस माहौल से कट जाए जिस माहौल ने हमारे अंदर बिगाड़ पैदा कर रखा है, उस माहौल से कट जाए, नेक माहौल में आ जाए, नेक लोगों की सोहबत में आ जाए, फिर जिंदगी बदलना और नफ्स को रगड़ा लगाना बंदे के लिए आसान हो जाता है। तो नफ्स की इस्लाह का चौथा उंसर जो रमजानुल मुबारक में पाया जाता है वो एतिकाफ है कि 11 महीने नफ्स नहीं सुधरा, रमजान के 20 दिन भी नफ्स की इस्लाह नहीं हुई, अब आखिरी मौका है, अब इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। और यकीनन एतिकाफ के ये 10 दिन अगर सही तरीके से गुजारे जाएं तो ये बंदे के मन पर वो दूरस असरात मुरतब करते हैं कि कई महीने तक बंदे के लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि एतिकाफ के 10 दिन बंदे की इस्लाह का बाइस है, बल्कि बंदे की रूहानी तरक्की का जरिया भी है। सिर्फ इस्लाह नहीं बल्कि रूहानी तरक्की भी हो जाती है। राह सुलूक पे चलने वाले सालिकीन को पता होना चाहिए कि अपने अल्लाह तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त बंदे के पास ऐसा होना चाहिए जिसमें बंदा पूरी दुनिया से हट कट जाए, तन्हाई हो वो और उसका रब हो, और अपने रब के साथ वो तन्हाई में तार जोड़े रखे। ये तन्हाई बंदे की रूहानी तरक्की में संगी मील की हैसियत रखती है। चुनांचे आमतौर पर हमारे यहां कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता जंगलों, पहाड़ों और गारों से होके नहीं जाता, बल्कि इन्हीं गली कूचों और बाजारों से होके जाता है। हमारे हजरत जी कई मरतबा ये बात इरशाद फरमाते हैं कि पिछले जमाने में अल्लाह तक पहुंचने के लिए जंगलों में जाना पड़ता था, गारों में जाना पड़ता था। अब वो सिलसिला नहीं है। अल्लाह तक जाने वाला रास्ता जंगलों, पहाड़ों और गारों से होके नहीं जाता, बल्कि इन्हीं गली कूचों और बाजारों से होके जाता है। ये बात 100% दुरुस्त है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि किसी भी बंदे की रूहानी तरक्की में गारों और पहाड़ों के किरदार का इनकार नहीं किया जा सकता। हजरात अंबियाए किराम को भी इस तन्हाई और खलवत नशीनी की जरूरत थी। चुनांचे हजरात अंबियाए किराम की तारीख का मुताला करें, हर नबी की जिंदगी में ऐसे अयाम आए हैं जब उन्होंने दुनिया से हटकट के सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के साथ लौ लगा के कुछ वक्त गुजारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोही तूर पे बुलाया। ववाअदना मूसा 30 लैलतन, 30 रातें आपने यहां पे रहना होगा, गार पे, पहाड़ पे। और फिर फरमाया कि अगर आप 40 पूरे करें ना तो क्या ये अच्छी बात है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तूर पहाड़ पे गुजारे थे, तन्हाई में, दुनिया से हटकर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई के वो अयाम नमरूद की आग के अंदर गुजारे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तन्हाई के वो अयाम मछली के पेट में गुजारे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तन्हाई के वो अयाम जेल में गुजारे थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के एतिकाफ का तस्करा बकायदा कुरान पाक में मौजूद है। असहाब कहफ ने अपना ईमान बचाने के लिए आबादी को छोड़ा और दूर जाके गार में पनाह ले ली। ये गार में पनाह लेना भी खलवत नशीनी ही थी। वइज़ अतज़ल्तमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया था कि जब आप इन लोगों की गुमराही के रास्ते से हटकट गए हैं तो फिर फ़अवू इलल कहफ़, अब गार में पनाह ले लो, गार में पना ले लो। यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमतें निछावर कर देगा। व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा, अल्लाह ताला तुम्हारे मामले को आसान कर देगा। तो असहाब कहफ का आबादी को छोड़कर गार में चले जाना ये यही खलवत नशीनी थी जो इंसानियत की तारीख में हमें राइज नजर आती है। तो किसी भी इंसान की रूहानी तरक्की में गारों, पहाड़ों और जंगलों के किरदार का इनकार नहीं किया जा सकता। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, लेकिन हुब्बिबा इलैहिल खला, आपको तन्हाई पसंद थी। चुनांचे हुजूर अपने घर को छोड़कर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। पूरा पूरा महीना वहां पे एतिकाफ किया करते थे। पूरा पूरा महीना गारे हिरा में तन्हाई में गुजारते थे। और ये सिर्फ नबूवत मिलने से पहले की बात नहीं है, बल्कि नबूवत मिलने के बाद भी आप बारहा गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे, पूरा पूरा महीना एतिकाफ करते थे। सही बुखारी शरीफ की रिवायत इस बात पर गवाह है। तो नबूवत मिलने के बाद गारे हिरा में जाना, खलवत नशीनी इख्तियार करना, तन्हाई में बैठ के अपने रब के साथ तार जोड़ना रूहानी तरक्की के लिए जरूरी था। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इख्तियार फरमाया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले अरब मुआशरे में एतिकाफ का रिवाज था। दौर जाहिलियत में भी एतिकाफ का रिवाज था। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतेह मक्का के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के नबी मैंने जाहिलियत के जमाने में यह मन्नत मानी थी कि मैं हरम शरीफ में एक दिन एतिकाफ करूंगा, तो किया अब उस मन्नत को पूरा कर लूं। तो मालूम होता है कि जाहिलियत के जमाने में लोग मन्नत मानते थे कि मैंने एतिकाफ करना है। एतिकाफ सुन्नत अमल है, लेकिन इसके असरात बड़े मुस्बत पड़ते हैं किसी भी बंदे की जिंदगी पर, उसके अमाल और उसके अहवाल पर। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के नबी जिस तरह ईसाई राहिब आबादी छोड़ के गारों में जंगलों में चले जाते हैं, हमें भी इजाजत दे दें कि हम भी इसी तरह रहबानियत इख्तियार कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना तरहबा उम्मती अलजुलूस फिल मसाजिद, मेरी उम्मत की रहबानियत ये है कि मस्जिदों में बैठे रहो, मस्जिदों में बैठे रहो। मस्जिदों में बैठने से बंदे पर अच्छे असरात पड़ते हैं। और ये एक हकीकत है कि कोई बंदा ये मालूम करना चाहता है कि मुझे अल्लाह के साथ किस कदर शदीद ताल्लुक हासिल है, तो वो ये देख ले कि उसे मस्जिद के साथ ताल्लुक कितना शदीद है। मस्जिद के साथ ताल्लुक जितना शदीद होगा, ये ताल्लुक अल्लाह के साथ ताल्लुक पर दलील है। और जो लोग मस्जिदों से दूर रहते हैं, मस्जिद में चैन नहीं आता, मस्जिद में आ तो जाते हैं लेकिन बाहर जाने के लिए बेकरार और बेताब होते हैं, तो मालूम होता है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक शदीद नहीं है। अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक शदीद होता तो मस्जिद के साथ भी ताल्लुक उतना ही शदीद होता। भाई अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह के घर में बैठ के बंदे को चैन नहीं आता। ये पता नहीं मोहब्बत की कौन सी किस्म है कि महबूब के घर में बंदे को सुकून न मिले, महबूब की गली बंदे को अच्छी न लगे, तो ये मोहब्बत की कौन सी किस्म है। लिहाजा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए अल्लाह के घर यानी मस्जिद से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिंदगी के 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि मुअज्जिन जब भी आजान दिया करता था, उससे पहले मैं मस्जिद में मौजूद होता। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुअज्जिन ने आजान दी हो और मैं मस्जिद से बाहर। रमजान शरीफ में खास तौर पे मस्जिदों के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है। चुनांचे शामदुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ये बात बहुत वाज़ह और नुमाया थी। 30 शाबान को अपने तमाम मुरीदीन को इकट्ठा करते थे, उनके हां पूरा रमजान एतिकाफ हुआ करता था, पूरा रमजान एतिकाफ होता था। और 30 शाबान को उनकी मस्जिद में बिस्तर बिछाने की जगह नहीं मिलती थी। पहले से लोग आके बिस्तर बिछा चुके होते थे और हजरत अपने मुरीदीन को इकट्ठा करके फरमाया करते थे, भाई 11 महीने तो हम और आप लोग मिलते जुलते रहे, लेकिन ये एक महीना हमारे रब के लिए है, लिहाजा इस महीने में हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होगी, इंशाअल्लाह रमजान के बाद फिर मुलाकात होगी। फिर मस्जिद में रहने के बावजूद शेख भी मस्जिद में और मुरीदीन भी मस्जिद में, लेकिन अल्लाह की इबादत में ऐसा इन्हिमाक होता था कि एक ही मस्जिद में रहने के बावजूद हर बंदा खलवत नशीनी के मजे ले रहा होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, एतिकाफ फरमाते थे। एक मरतबा एतिकाफ किया रमजान के शुरू के 10 दिन, फिर दूसरे आशरे में फिर एतिकाफ कर लिया और उसके इख्तिताम पे अपने साथियों को फरमाया कि मैंने पहले आशरे में एतिकाफ किया ताकि मैं शब कदर को पा सकूं, लेकिन मैं नहीं पा सका। दूसरे अशरे में एतिकाफ किया ताकि मैं शब कदर को पा सकूं, लेकिन नहीं मिला। अब मैं तीसरे अशरे में एतिकाफ करता हूं। जो बंदा मेरे साथ एतिकाफ करना चाहता है उसको चाहिए कि एतिकाफ कर ले। तो पूरा महीना आपने एतिकाफ फरमाया था। न सिर्फ ये कि आपने अमलन हर साल एतिकाफ किया, बल्कि आपने अपने अकवाल और फरामीन के जरिए लोगों को इसकी अहमियत बतलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोतकिफ के बारे में, वह यातकिफ ज़ुनूब, वो बंदा जो बाहर के माहौल में गुनाहों से न बच सका, अपनी निगाहों की हिफाजत न कर सका, जबान को काबू न कर सका, तो एतिकाफ में बंदा गुनाहों से बच जाता है। वह यातकिफ ज़ुनूब, वो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए अपने आप को मस्जिद में रोक लेता है। वयुज्जा लहू मिनल हसनात का आमिल हसनात कुल्लेहा, ये अल्फाज समझने वाले हैं। फरमाया कि एतिकाफ की वजह से कई मरतबा बंदा बहुत सारे नेक अमाल से महरूम हो जाता है। एतिकाफ की वजह से बंदा किसी मरीज की आयादत नहीं कर सकता। एतिकाफ की वजह से बंदा किसी जनाजे में शरीक नहीं हो सकता। कई सारे नेक अमाल से बंदा महरूम हो जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया कि उन अमाल के न करने के बावजूद अल्लाह वैसे ही अजर और सवाब अता कर देता है। बल्कि मुअतकिफ वो सआदतमंद बंदा होता है कि जिसकी नमाज इबादत, जिसकी तिलावत इबादत, जिसका मुराकबा इबादत। मुअतकिफ खाना खाए तो उसका खाना खाना इबादत। मुअतकिफ आराम करे तो उसका सोना भी इबादत बन जाता है। तो यही सआदत की बात है। अगर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में शब कदर भी हुई, दूसरी जानिब बंदा एतिकाफ की हालत में रहा, तो ये एक रात का एतिकाफ कितने एतिकाफों के बराबर हो जाएगा और कितनी रातों के एतिकाफ के 83 साल के एतिकाफ के बराबर हो जाएगा। किस कदर सआदत की बात है। हमें चाहिए कि हम रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरे में एतिकाफ का एहतिमाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक दिन और एक रात एतिकाफ कर लेता है, उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 आड़ बना दिए जाते हैं, 3 रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। एक एक रुकावट की चौड़ाई जमीन और आसमान के फासले के बराबर होती है। ये 24 घंटे के एतिकाफ की वजह से 3 बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। कितनी बड़ी दीवार, जितना जमीन और आसमान के दरमियान का फासला है। तो गोया के एतिकाफ जहन्नम की आग से हिफाजत का जरिया है। एतिकाफ बंदे के नेक अमाल में इजाफे और नेकियों में तज़ईफ का बायस है। और एतिकाफ किसी भी सालिक की रूहानी तरक्की का बायस है। एतिकाफ का ये पहलू मद्देनजर रखना चाहिए कि जब भी बंदा मुअतकिफ होके आता है तो गोया के वो अमलन ये कहता है कि अल्लाह, साल के 11 महीने मेरा नफ्स नहीं सुधरा, फिर 20 दिन मैंने कोशिश कर ली, नहीं सुधरा। तो अल्लाह जैसे बड़े डॉक्टर के पास मरीज जाता है और डॉक्टर उसको अस्पताल में दाखिल कर देता है, अल्लाह मैं भी अपना आप तेरे हवाले करता हूँ, बाहर के माहौल में ठीक नहीं हो रहा, अल्लाह अब तो मेरे नफ्स को ठीक कर दे, मैं अपना नफ्स तेरे हवाले कर देता हूँ। तो जो बंदा अपने रब के सामने अपना आप इस तरह पेश करता है, अल्लाह भी उस बंदे को कबूल करता है, उसका तज़किया, उसकी इस्लाह कर देता है। या फिर यूं कहें कि 11 महीने मेरी दुआएं कबूल न हुई, फिर 20 दिन मैंने कोशिश की, मेरी दुआएं कबूल न हुई, अल्लाह अब तो मैंने तेरे दर पे डेरे डाल दिए, अब तो जो कुछ हो जाए मैं तेरे दर पे बैठा हुआ हूं, अल्लाह मैं तुझसे मनवा के उठूंगा, मैं तुझसे मनवा के उठूंगा, मैंने यहां से हटना नहीं है जब तक कि मेरी दुआ कबूल न हो, मुझे अपना कुर्ब, अपना वसल अता न कर दे। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, हज़रत ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह शायर थे। तो खानकाह में रहते थे, एक मरतबा कोई गलती कर ली तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े जलाली थे, फौरन अपने मुरीदीन को फरमाया कि इसका बिस्तर उठाओ और इसको खानकाह से बाहर निकाल दो। खानकाह से बाहर निकाल दिया गया, बिस्तर बाहर फेंक दिया गया। हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूर रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद के या खानका के दरवाजे पे बिस्तर डाल दिया। अंदर तो आ नहीं सकते थे, मना कर दिया था, बाहर बिस्तर डाल दिया। अब जब कोई आने जाने वाला आता था, खानका का दरवाजा खुलता था, तो हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूर रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे के अंदर से झांक के देखते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सामने बैठे होते थे, उनके चेहरे पे नजर पड़ती थी। एक दिन ऐसा गुजरा, दो दिन ऐसे गुजरे, आखिरकार हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया और एक बंदा भेजा और फरमाया कि इससे कह दो यहां से जाता क्यों नहीं है, यहां दरवाजे पे क्यों बैठा हुआ है। तो हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां एक शेर लिख कर भेजा कागज के टुकड़े पे, और शेर में लिखा हुआ था, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, उधर तेरी इधर मेरी। भाई अगर आप दर नहीं खोलते, मैं भी दर नहीं छोड़ूंगा। तो सालिक या बंदा अल्लाह के दर पे बिस्तर डाल के, डेरे डाल के बैठ जाता है कि अगर अल्लाह तू दर नहीं खोलेगा तो मैंने भी दर नहीं छोड़ूंगा, आप तो मैं आपसे मनवा के छोड़ूंगा। अपने घर आए हुए मेहमानों को फिर खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, फिर अल्लाह ताला भी ऐसे बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। लिहाजा हमें चाहिए कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में हम एतिकाफ का एहतमाम करें। अगरचे एतिकाफ में अब भी एक हफ्ता बाकी है, अगले जुम्मे की शाम को एतिकाफ के लिए लोग बैठेंगे, लेकिन मैंने अभी से ये मजमून इसलिए खोला कि तैयारी पहले से करनी होती है, ज़हन पहले से बनाना होता है। हम ये सुनहरा मौका ज़ाया न करें, पता नहीं जिंदगी में दोबारा हमें ये मौका हाथ आएगा या नहीं आएगा। एतिकाफ का एहतमाम करना चाहिए। और एक बात जरा मौजू से हट के आपसे अर्ज करनी है। हाँ, एतिकाफ जो हम तन्हाई में करते हैं, किसी ऐसी मस्जिद में एतिकाफ कर लेते हैं जहां पे हम अकेले होते हैं, तो ठीक है, अकेलापन तो अच्छा होता है, लेकिन आजकल मुसीबत ये है कि मोबाइल की फितने ने लोगों की खलवतों को भी गंदा कर दिया है। तन्हाई जितनी गंदी होती है, जलवत इतनी गंदी नहीं होती। लिहाजा कई मरतबा वो खलवत बंदे को वो मुनाफा, वो समारात नहीं दे सकती जो बंदे को मतलूब होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में अगर बंदा एतिकाफ करे ऐसे माहौल में जहां पे इस्लाह और तरबियत का एक मुनज़्ज़म तरीका हो तो ज्यादा ही बेहतर होता है। चुनांचे हमारी इसी मस्जिद में हमारे हजरत जी दामत बरकातहुमुल आलिया, उनके साहिबजादगान और हजरत जी के दूसरे खुलफा की सरपरस्ती निगरानी में तरबियत के ज़ेर मोतकिफीन एतिकाफ करते हैं। न सिर्फ ये कि अपनी शहर से लोग आते हैं, बल्कि दूर दराज के शहरों से भी लोग आते हैं एतिकाफ करने के लिए। इस्लाह और तरबियत का एक मुनज़्ज़म निज़ाम होता है, मेंट को कीमती बनाया जाता है, बयानात होते हैं, जिक्र की मजलिसें होती हैं, इस्लाह के मुज़ाकरे होते हैं, इज्तिमाई इबादात होती हैं, इनफिरादी इबादात की तरगीब दी जाती है, तो ये दिन ज्यादा कीमती बन जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अगर एतिकाफ करना चाहते हैं तो इसी खानकाह और इस मस्जिद को तरजीह दें, यकीनन बाकी मकामात की बजाय यहाँ ज्यादा फायदा होगा। वैसे तो हमारे इस इदारे में एतिकाफ की रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख थी वो 10 रमज़ान थी, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ रजिस्ट्रेशन करने वालों से कि वो आज भी साथियों को मौका दे दें, बल्कि आज नहीं 15 रमज़ान तक। अगर कोई जंग के साथी, चूंकि जंग वाले करीब लोग होते हैं, इनका ज्यादा हक होता है, अगर ये साथी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनको भी एतिकाफ का मौका दिया जाएगा। मौजू से हट के बात जो करनी थी वो ये कि रमजानुल मुबारक का एक अशरा गुजर गया, बल्कि 12-13 दिन गुजर गए। मेरे भाइयों, हम अपने गरीबानों में झांक के देखें, हम अपना मुहासबा कर लें, तो हम में से शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो मुतमइन होगा कि हाँ वाकई मैंने रमज़ान में इबादत का हक अदा किया है, मैंने रमज़ान शरीफ में गुनाहों से बचने का हक अदा किया है। शायद ही कोई बंदा मुतमइन होगा। अक्सर बंदे गैर मुतमइन हैं, चलो हमने ये दिन तो ज़ाया कर दिए, लेकिन जो दिन बाकी हैं कम अज़ कम ये तो हम ज़ाया न करें। बदकिस्मती से हमारी मुल्क में जो सियासत में एक तहरीक पैदा हो गई, एक उभार पैदा हो गया अचानक, और उसी ने हम में से 95% लोगों के रोज़ों को ख़राब कर दिया। 95% लोगों ने अपने रोज़ों को बर्बाद कर दिया है। मेरे भाइयों, अब यह सिलसिला मज़ीद बंद होना चाहिए, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इनमें हम मुदाखलत करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलना। हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जितना जोर लगाएंगे, पेट्रोल का रेट कम नहीं होना। पेट्रोल का रेट तब कम होगा जब अल्लाह की तरफ से कोई फैसला उतरेगा। घी का रेट तब कम होगा जब अल्लाह की तरफ से कोई फैसला उतरेगा। अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है। ये कौम पूरी की पूरी इज्तिमाई तौर पे अल्लाह के सामने मुजरिम बन चुकी है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने हम पर महंगाई और ये इंतशार और ये बदहाली एक आज़ाब की सूरत में हम पर मुसल्लत कर रखी है। अब इसका हल किया है, इसका तरीका किया है, तो मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। जिन मुसीबतों की वजह से हम पर यह अजाब आया है, हम ज्यादा उधर मुनहमिक हो जाते हैं, तो अजाब में ज्यादती आएगी, अजाब में कमी नहीं आएगी। लिहाजा 11, 12, 13 दिन हमने ज़ाया कर दिए हैं। अब इस सिलसिले को बंद कर दें बस। अब व्हाट्सएप और फेसबुक और सियासत सबको ताला लगा दें। अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और फिर खास तौर पर सियासत के मैदान में जो बेएअतदाली पाई जाती है, जैसे हम शरीयत के हुदूद को पामाल करते हैं, हमारी दुनिया बने या न बने आखिरत जरूर बर्बाद हो जाती है। जैसे हम दूसरी जमात के सियासतदानों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, तजहीक और तौहीन आमेज खाके तस्वीर बना बना के आगे भेजते रहते हैं, यकीनन अपनी आखिरत को बर्बाद कर देने के मुतरादिफ है। अल्लाह के यहां अंधेर नहीं है, अल्लाह के यहां हिसाब होता है। एक एक अमल का हिसाब होता है, एक एक कौल का हिसाब होता है। आप तो एक क्लिक करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैंने जो कुछ आगे भेजा है क़ियामत के दिन मुझे साबित करना होगा। अगर साबित न कर सका तो उस पर मुआवजा होगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब सही होता है। तो ये तो ना हो कि हम फकत वक्ती तस्कीन की खातिर, अपने गुस्से को ठंडा करने की खातिर किसी दूसरे के बारे में तजहीक और तौहीन पर मुश्तमिल मवाद आगे भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर बाद में क़ियामत के दिन ग़रीबान पकड़ा जाएगा और फिर उस वक्त जवाब देना बहुत दुश्वार होगा। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें कि हम जब किसी मुसलमान के साथ ज्यादती करते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी के माल का नुकसान करते हैं, तो वो मुसलमान हमसे खुद बदला लेता है या क़ियामत के दिन उसका बदला दिया जाएगा। लेकिन अगर हम किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं तो अल्लाह ताला बदला लेने के लिए खुद सामने आ जाता है। अल्लाह ताला खुद बदला लेता है। अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे हैं, अल्लाह के लाडले हैं। माँ को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं है जितना अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत है। तो जो बंदा अल्लाह के बंदों की तज़हीक करता है, उनकी तौहीन करता है, तो अल्लाह बदला नहीं लेगा, अल्लाह जरूर बदला लेता है। ये और बात है कि अल्लाह ताला के इंतकाम की तदबीरें इतनी खुफिया होती हैं कि बंदे को पता भी नहीं चलता और बंदे से इंतकाम लिया जा रहा होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बैतुल्ला को मुखातब करके फरमाया, तो बैतुल्ला, मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी इज्जत, तेरी हुर्मत, तेरा तकद्दुस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मुसलमान का तकद्दुस तुझसे बढ़ के है। एक मुसलमान का तकद्दुस बैतुल्ला के तकद्दुस से भी ज्यादा है। खामखा में हम नादान बन जाते हैं, खामखा में हम बेवकूफ बन जाते हैं कि आखिरत बर्बाद कर रहे होते हैं। हम उस बंदे का जिसकी तज़हीर कर रहे होते हैं उसका नुकसान करें या न करें, अपना नुकसान जरूर कर रहे होते हैं। और फिर खास तौर पे जुर्अत और बेबाकी इतनी बढ़ जाती है कि हजरात उलमाए किराम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और मुसल्ला के जानशीन हैं, हम उन उलमा की तज़हीक और तौहीन कर रहे होते हैं। यकीन करें, अपना ईमान खतरे में न डालें। मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अगर रूई जमीन पर उलमा अल्लाह के वली न हो तो कोई और बंदा वली बन ही नहीं सकता। उलमा अल्लाह के वली हैं। जब उलमा औलिया हैं तो औलिया के बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे एक वली के साथ दुश्मनी करता है, मेरी तरफ से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। अल्लाह ताला उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है, और जिसके खिलाफ अल्लाह ऐलान जंग करता है उसको जलील करके रख देता है, दुनिया उसका तमाशा देखती है। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा अपने जज्बात को काबू करने की जरूरत है, कंट्रोल। ठीक है, मैं मानता हूं सियासी तौर पे हर बंदे की अपनी सोच, अपना नजरिया, अपनी जमात जो कुछ भी है, लेकिन किसी भी सियासी कायद की तज़हीक और तौहीन अपनी आखिरत को बर्बाद कर देने की मुतरादिफ है। फिर खास तौर पे अहले इल्म हजरात को अल्लाह के साथ निस्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत हासिल होती है, उस निस्बत को पामाल न करें, उसके तकद्दुस का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। और ये कीमती ईमान जो उलमा की वजह से हमें मिला है, हमें क्या पता था कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, कुरान क्या चीज है। इन्हीं उलमा के जरिए ही तो हमें अल्लाह की पहचान नसीब हुई है, इन्हीं उलमा के जरिए ही तो हमें रसूलुल्लाह का तारुफ नसीब हुआ है, इन्हीं उलमा के जरिए ही तो हमें कुरान मिला है। अब इन्हीं उलमा के तकद्दुस को हम पामाल करते हैं तो ये तो न हो कि यही ईमान हमसे सलब हो जाए और हम बदबख्तों में शामिल हो जाएं। मेरे भाई, माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, शायद किसी को इन बातों से इत्तेफाक न हो, लेकिन ये एक हकीकत है। किसी भी बंदे के खिलाफ कोई ऐसी तहरीर आगे न भेजे या कोई ऐसा नारा बुलंद न करें कि क़ियामत के दिन उसको साबित करना फिर हमारे लिए दुश्वार हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।